आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आप WhatsApp यूज करते हैं, अगर आप चाहते हैं WhatsApp में फोन स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी आसानी से किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को आप WhatsApp में फोन स्टाइल चेंज करके भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे। ये जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, स्टाइलिश टेक्स्ट इसके नाम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसे ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा दोस्तों, आपको यहां से टिक कर देना है। इस तरीके से आप इसे देख भी सकते हैं कैसे बता रहा है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, आपको वहां पे इंटरफेस में बता देता है। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आ जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका काम और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना WhatsApp ऑन कर लेना है। WhatsApp में आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, कोई भी मैसेज या कोई भी जो भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको भेजना चाहूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पे आप किसी को भेजना चाहते हैं क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो। इस तरीके से अगर आप उससे भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको इसे सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। जैसे ये पूरा सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन का जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। स्टाइलिश टेक्स्ट नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे और यहाँ पे आ चुका है, इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन सा आप फॉन्ट लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिंबल में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसमें से कर सकते हैं, अगर ये जो ये बहुत सारे और भी है, इसमें लॉक भी लगा हुआ है, अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे कोई भी एक चीज लेना है और इसे अनलॉक करना है, तो इसके लिए आपको ढूंढ लेना है जो भी लेना है। तो हम एक अच्छा सा ढूंढ लेते हैं फॉन्ट कौन सी हम लगाना चाहेंगे, जैसे कि ये फॉन्ट है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अनलॉक पे टैप करो आप। अनलॉक पे टैप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अनलॉक पे टैप करना पड़ेगा। अनलॉक पे टैप करने के बाद यहाँ से आपका एक दो सेकंड का एड आएगा, इसे एड को देख लेना है, उसके बाद ये आपका अनलॉक हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड का एड था, इसे हम देख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारा ये अनलॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं अनलॉक का यहाँ पे निशान जो लोगो लगा हुआ था अनलॉक का हट चुका है। आप इसे भेजने के लिए इसमें टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आपका जो लिख टाइपिंग किए थे ये उसी ले इसमें फॉन्ट में बदल चुका है, इसे भेज देंगे। फिर से आप किसी कोई भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि हेलो करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सी काम है दोस्तों। उसके बाद आपको थ्री डॉट में जाना है, स्टाइलिश टेक्स्ट में जाना है। अगर आप इसमें से कोई भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, या अगर आप जो अनलॉक किए थे उसी भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, या दूसरा अनलॉक भी कर सकते हैं। दूसरा अनलॉक करना, जैसे कि हम ये अनलॉक करना चाहेंगे तो इसे अनलॉक में क्लिक करना है, फिर से अनलॉक में क्लिक करोगे आप, इसके बाद एक दो सेकंड का एड आएगा, एड देख लेना है आपको। तो इस तरीके से देख सकते हैं 5 सेकंड का एड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसे कट कर देंगे, तो हमारा ये भी अनलॉक हो चुका है। उसके बाद इसे बैक कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा ये अनलॉक हो चुका है। उसके बाद इसे क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, तो हमारा ये फोन उसी स्टाइल में चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरीके से आप भेज सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से सिंपल सी काम है, आपका फोन इस तरीके से अच्छी दिखने लगेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से किसी को भी फोन चेंज करके अपना स्टाइल भेज सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।